और बीड़ू कैसे हो? ठंड लग रहा है क्या आपको? हाँ, और बढ़िया है सब? अरे यही से काहे भागत हो यार, कोई हम रॉकेट बम थोड़े ना आकर। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एपिसोड। तो नमस्ते गाइस, कैसे हो आप लोग? एंड नए वीडियो में स्वागत करता हूँ आप सभी का। हाल इस टाइम पे मैं जा रहा हूँ वही काम करने के लिए, जो ये कल वाला काम कर रहे थे, धान वान ढो रहे थे, वही जा रहे हैं आज फिर से वही ढोने के लिए। और ये काम जब तक खत्म नहीं होता तक हम चलेंगे, और ये काम जब तक चलेगा, जब तक हम रहेंगे तब तक चलेगा, और हमको मेहनत करना है। तो यही है, अभी इधर का जगह खाली हो चुका है, तो इधर की जगह में जो खेत में बचा हुआ धान है उसको लाके यहाँ पे रखना है। तो धान वान का पिटाई एकदम मस्त चालू हो गया है, और उसको जब तक हम ढोएंगे नहीं तब तक हमको सुकून नहीं मिलेगा। तो चलो अभी सुकून सुकून लेने के लिए चलो इससे चलते हैं। और बीड़ू कैसे हो? ठंड लग रहा है क्या आपको? हाँ, और बढ़िया है सब? अरे यही से काहे भागत हो यार, कोई हम रॉकेट बम थोड़े ना। अच्छा ठीक है, आवा आवा, हम रॉकेट थोड़े ना है। नमस्ते, रॉकेट है हम क्या? अरे हमसे ना डरो, हम आपके रक्षक हैं और आप हमारे रक्षक। अच्छा, अरे आप सबके आप भी रक्षक हो? ऐसा नहीं है। एक बात बताएं आप लोगों को, इसको ना इससे बहुत जलन है, अगर हम भी बोल देंगे ना इसको काट दे तो वो एकदम तुरंत काटेगा, मतलब एक सेकंड नहीं लगेगा कि हाँ इसको छोड़ दे। बेचारा छोटा है लेकिन नहीं, उसको जलन रहती है इससे बड़े वाले को छोटे से। हमारी ये फॉर्च्यूनर है, इसी फॉर्च्यूनर से हम डेली ढोते हैं और आज भी ढोएंगे। अब हट भी जा, रास्ता थोड़ा खाली कर दो, हम जा रहे ढोने। और आज हमारे साइकिल का थोड़ा नट बोल्ट ढील हो गवा है। अभी गाइस मैं अभी अपना गमछा लेंगे, इधर ये रहा हमारा गमछा, मुंडे पे बांधने के थरी, मुंडे पर बांधने खातिर। तो अभी 11:20 हो चुका है और मैं अभी आ चुका हूँ खाना खाने के लिए। तो 9 बजे से ढोने गया था और 11:20 पे अभी आ चुका हूँ, तो पैर हाथ भी धो लिया हूँ। जा रहा हूँ मैं अभी खाना खाने के लिए, फिर अभी कंटिन्यू 15 या 16 बोझ 16 बोझ मेरे को अभी अभी कंटिन्यू करना है, ढोना है मेरे को अभी 15 से 16 बोझ। तो चलो अभी खाना वाना मस्त खा के पहले अपने अंदर एनर्जी थोड़ा सा भर लेते हैं, और उसके बाद फिर चलते हैं आराम से ढोएंगे। तो अभी मस्त एकदम खाना हो गया, अब चलते हैं फिर से दोबारा ढोने के लिए। तो चलो चलते हैं और उसको ढो ढा के एकदम खत्म करते हैं। तो गाइस अभी तुम्हारे भाई ने ढो के खत्म कर दिया है, ये पूरे धान का यहाँ तक गल्ला लग गया, और हमने अभी जस्ट 1 बजे एकदम ढो ढा के एकदम कैसे कैसे खत्म किए हैं। तो बस आज से हमारे दिल को ठंडक पहुंच गया कि भाई अब ढोना नहीं है, ऐसे तो बच गए। 2-3 दिनों से एकदम ठंड के मारो एकदम नहा ही नहीं रहे थे, समझ रहे हो? तो बस ऐसे ही काम चला रहे थे, रगड़ रगड़ के मुंह पे पानी रगड़ रगड़ के काम चला रहे थे। तो चलो अभी फटाक फटाक फटाक, बादल तो लग रहा है, बादल लगा हुआ है, थोड़ा बहुत ठंड है, लेकिन चलो यार नहा लेता हूँ, थोड़ा नहा लूँगा तो अपना माइंड है ना फ्रेश हो जाएगा। तो चलो नहाते हैं अभी। 2 घंटे के अंदर अंदर नहाया है, इतना जल्द तो मैं ही नहीं नहाया हूँ, मेरा साथी भी नहाया है, जिसको मैं एक तरफ से जिगर का टुकड़ा मानता हूँ। पहले मैं इसी को नहलाने लगा, उसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग, तो सबसे ज़्यादा मैंने इस डॉगी को कुत्ते को नहलाने लगा, अपने सीटू को, तो ज़्यादा टाइम लग गया और बहुत ज़्यादा डांट भी सुन लिया इसको नहलाते हुए। इसको कुत्ते को नहला रहा है, कुत्ते को नहलाया जाता है, इससे अच्छा तो मेरी भैंस दूध देती है, दूध को भैंस को नहला दे। को नहलाने के पीछे इतना ज़्यादा डांट सुने ना, हाँ डांट सुने, तू नहीं समझेगा कितना डांट सुनते हैं। इसको खुजली हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा यार 1 साल हो गया इसको धो दे। वैसे तो पहले बहुत बहुत धोते थे, महीने में एक बार धो देते थे, लेकिन अभी इसको कहाँ पूछता है कोई, अपने को खुद 1 हफ्ते में लोग नहीं पूछता, अपने को नहीं धोता है तो कुत्ते को क्या धोएगा। मम्मी बोली थी कि मेरी भैंस को गाय को धो देना, वो कम से कम दूध तो देगी। क्या मम्मी फंसा रही हो मेरे को, तुम सीधा सीधा भिगो के मार रही हो। इसको बांधे हुए बहुत छोटा था ना, ये बहुत छोटा था, इसको 2-3 महीना तक बांधे थे कि 4 महीना बांधे थे ऐसा ही कुछ। अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया तब से इसे खुला छोड़ दे, तब से खुला ही है, बस धोना होता है साल में 6 महीना में तो एक बार, मतलब इसको बांध देते हैं वो भी रस्सी में, वो जिसका सिक्कड़ है तो वो भी तोड़ दिया है। कुत्ते को ना रिहा करने का टाइम आ चुका है, क्या बोलते हो? रिया करने का टाइम हो गया है, एक बार बोल लो कुछ।
ठीक है निकाल देता हूँ। ये देखो खुल गया, अब सीधा घर के तरफ जाएगा ये। गाइस मैं आया हूँ ट्यूबवेल पे अपने, जो गेहूं वाला खेत 2 दिन पहले बो दिए गए थे 4-5 मंडा के करीब, उस वाले में मेड़ बनाने के लिए आया हूँ। दोनों तरफ से वहां से मेड़ खींचते हुए यहाँ तक लेके आया हूँ। कई सारे मेड़ भी डालने हैं जिससे कि पानी का बहाव रुक जाए, कि पानी किसी के खेत में अगर ओवर होता है तो उस टाइम पे वो पानी को रोक लेता है। तो अभी इसी मेड़ को मैंने बना रहा हूँ। जैसे धान धो के खत्म हो गया तो अब तो समझते ही होगे कि जब तक जीते हैं तब तक काम खत्म होने वाला नहीं है। जिंदगी में जब तक पैदा हो जाएंगे और जब तक मरेंगे नहीं तब तक काम ही काम मतलब ये लगा ही रहता है। और अभी थोड़ा सा ही मैंने बनाया, अभी बहुत मेरे को ये वाला मेड़ बनाना है। अभी शाम के 5 बज रहा है और मैं फाइनली पूरे खेत का जो बराही बनाना होता है मेड़, इधर इधर यहाँ से इस तरह बनाया हूँ, खत्म हो चुका है एकदम मस्त। चलो अभी यहाँ से चलते हैं घर। मैं अभी घर आ चुका हूँ और घर आने के बाद फिर जो कल वाला जो गेहूँ देने गए थे ना, वो उसका आज आटा भी बन चुका होगा, तो अभी जा रहे हैं उसको लाने के लिए। यहाँ पे गुड्डू और मम्मी बैठ के दोनों लोग बस ठंड से बच रहे हैं और कुछ नहीं है। तो अब अभी हम चलते हैं, पहले ठंड से बचने की ज़रूरत नहीं है, आटा ख़त्म हो गया था। हाँ मेरी जान, तो चलो अभी आटा लाने चलते हैं, लेट्स गो। तो मैं आ चुका हूँ, तो सब जाने के बाद पता चला उसने अभी तक आटा पीसा ही नहीं है, गेहूं को पीसा ही नहीं जाने के बाद। तो मैं फिर वापस आया हूँ, बोला कि सुबह आ जा तू, तो फिर क्या होता है, तो अभी सुबह जाना पड़ेगा अभी। तो गाइस आज का ब्लॉग हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इससे पहले मैं ना ये रेड वाला बल्ब लगा के अभी थोड़ा सा हीट है तो रेड वाला बल्ब लगा के मैंने वीडियो को शूट किया, तो फेस पे थोड़ा सा रेड रेड दिखाई दे रहा था, उसको मैंने क्या किया कि रेड वाला बल्ब को अभी जस्ट निकाल के व्हाइट वाला बल्ब मैंने अभी फिक्स किया हुआ है, तो इससे अभी कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। मैंने सोचा भाई साहब थोड़ा अच्छा दिखे ना, तो इससे क्या होता है रेड वाले बल्ब से थोड़ा सा वो गर्म का माहौल होता है, तो इसलिए मैंने कल रात को उसको फिक्स किया था। लेकिन गर्म का माहौल नहीं चाहिए मेरे को, वाइट दिखना चाहिए और थोड़ा सा फ्रेश दिखना चाहिए क्वालिटी के साथ, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद ये ब्लॉग आप लोग देख रहे हो, तो आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये तो परंपरा हो गया है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तक थैंक्स वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।